खान साहब के नजरिए पे काम करते हुए कि आखिरी बाल तक लड़ना लड़ना है। हमारी पूरी टीम आखिरी गेंद तक लड़ी है और जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में आई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आखिरी बाल तक लड़ना है और अपना हक लेना है। ये आज क्लीन बोल्ड किया है जाबर को, उस आमिर को जो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्लीन बोल्ड किया है। और इंशाल्लाह ये पहली विकेट है, दूसरी विकेट इमरान खान की आज़ादी होगी और तीसरी विकेट इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। थैंक यू सर। उधर करो, आगे करो, तारे गौर साहब बता दीजिए। गौर साहब देखिए, इस पर आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हम आपको जवाब इस पर दे चुके थे, उस वक्त के सरकमस्टांसिस के मुताबिक हमने फैसले कर लिए थे। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2022 में इलेक्शन करवाए थे, 2023 में इलेक्शन करवाए थे, बदनीयती पे मुनसर था तो हमसे निशान लिया गया था और सब ने मुतफिका तौर पर ये हमारा फैसला था। उस वक्त हमने सुनी इतिहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था और उस डिसीजन को अमोन करते हैं। मेरी डिमांड इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत क्लियर है, सिराजी साहब रिजाइन करें, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वो अगर रिज़ाइन कर देंगे तो रिजिग्नेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी मेंबरान साहिबान होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं और वो कंटिन्यू करते रहेंगे, मुतालबा हुआ है और यस उनको ख़ुद जाके रिज़ाइन कर देना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो किसी और ग्रुप को हमारे कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं उसकी लॉयल्टी बियॉन्ड डाउट है, वो एक आज कदरिया उबूर करके आए हैं और अवाम भी उनके साथ है जो खान साहब के नज़रिए के मुताबिक चलते हैं इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हम एक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कोई बंदा इन इस ग्रुप से आगे नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन हमें दे दी है कि हमने जो 39 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी नामिनेशन फॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया था, बाकी ने विद इन 15 डेज फाइल करना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन 15 डेज आप लिस्ट हमें दे दें, तो शायद लिस्ट हमारी वही होगी लेकिन हम उसको दोबारा सबमिट करेंगे। टिक्का खान साहब के बाल आपसे ज़्यादा सफ़ेद हैं, वो प्रेसिडेंस ले जाते हैं। मैं टिक्का खान साहब कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब आप बता देंगे, पर मेरी दानिश में गल खत्म। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट।